आइए आपको लेकर चलते हैं वेंकट भवन, जहां पर हमारे एडिटर इन चीफ रीवा शहर के गणमाननीय नागरिकों, नेताओं, वकीलों, पत्रकारों के साथ मौजूद हैं और देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं वेंकट भवन। पिछले दिनों जो भी घटना देश में हुई, उसका पूरा देश दहल गया, पूरे देश में गुस्सा उबाल पर है। मैं आपको बता दूं, आज़ादी के 72 साल बाद भी हम हमारा शब्द सुन रहे हैं। पूरा देश हमारा सुनने के लिए तैयार नहीं है। पूरा देश चाहता है हमारे की जगह उनका शब्द हम कब सुनेंगे। हमारे साथ यहाँ पर शहर के प्रमुख लोग मौजूद हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ वकील हैं, कुछ नेता हैं, तमाम तरीके के लोग हैं। मैं आपको बता दूं, सेना और पुलिस के शब्द में ये गंभीर बात है जिसको तमाम लोगों को जानना जरूरी है। सेना और पुलिस के शब्दकोश में जवान की मौत पर शहीद शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। शायद आप लोग को अभी तक यही मालूम रहा होगा शहीद शब्द का इस्तेमाल होता है, बल्कि बैटल कैजुअल्टी शब्द का प्रयोग होता है। कार्य के दौरान पुलिस की जान जाती है तो ऑपरेशन कैजुअल्टी कहते हैं। यह कहना था केंद्रीय सूचना आयोग को गृह मंत्रालय का। सन 2016 में रक्षा मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट को भी यही बताया था, शहीद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। 2015 में गृह मंत्री रिजिजू ने भी लोकसभा में कहा था शहीद शब्द की कोई परिभाषा नहीं है, शहीद शब्द का प्रयोग की जगह बैटल कैजुअल्टी और फिजिकल कैजुअल्टी कहते हैं। ऐसी याचिका कोर्ट ने भी खारिज की थी। रक्षा मंत्रालय में ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले को शहीद नहीं कहा जा सकता। आज की परिचर्चा हमारी इसी विषय पर आधारित है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, क्या सही क्या गलत, देश में जो भी हुआ क्या होना चाहिए था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं सबसे पहले शिव सिंह जी आपसे बात करूंगा, क्या लगता है आपको देश में क्या हालात हैं इस तरीके के? देखिए, देश में जो भी सरकारें आती हैं वो सिर्फ आतंकवाद के नाम पर देश में राजनीति करती हैं। और रही बात जो शहीद के दर्जे की बात है, तो जल थल वायु सेना का कोई भी जवान है वो हमारी देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है, और यदि उस दौरान उसकी मौत होती है तो उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, एक गंभीर सवाल, क्या लगता है राजू जी आपको? भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय को इस बात पे पहल करनी चाहिए, एक लोकसभा में आपात सत्र बुलाकर शहीद शब्द की परिभाषा, जो कार्य के दौरान जिनकी जो वीर गति को प्राप्त होते हैं उनको बैटल कैजुअल्टी या फिजिकल कैजुअल्टी ना कह के एक परिभाषा देनी चाहिए वीर गति में प्राप्त करने वालों को शहीद की। तो मैं केवल इतना ही मांग करता हूँ भारत सरकार विधि मंत्रालय से, रविशंकर प्रसाद जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, कि एक आपात सत्र बुलाकर और वहाँ पर वीर गति को प्राप्त करने वाले को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। आप भी वकील हैं, आपको क्या लगता है ये जो घटनाएं हो रही हैं इस पर जो भी अपने देश के जवान शहीद होते हैं उनको इस दर्जा नहीं दिया जाता अभी तक? शहीद का दर्जा ही दिया जाता है उनको, तमाम मीडिया में और तमाम पेपरों में यही आ रहा है। और बात इस समय शब्दावली की नहीं है, बात इस समय जो निर्दोषों के साथ, हमारे जवानों के साथ जिस तरह का कांड किया गया है उसका मुंह तोड़ जवाब देने की बात है। इस समय तो पूरे देश एक है और हम सब एक हैं कि दुश्मनों को उनके नापाक जो करतूतें उन्होंने की हैं उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। दुश्मनों की नापाक करतूतों का उनको मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से घटना घटी इस देश में अपने सैनिकों के साथ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। लेकिन इसके लिए सरकार जो केंद्र सरकार है वो चिंतित कहीं से दिखती नहीं। जैसे आपने एक बात कही कि शहीद का दर्जा सेना और पुलिस में नहीं दी जाती, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि सेना में तो शहीद की दर्जा मिल रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक कमी है कि अगर सेना के सैनिक जो हैं अगर वो बीमार है, बीमार हालत में वो उनकी मृत्यु हो जाए तो उसको भी शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, उसको भी शहीद का दर्जा देना चाहिए, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सही बात है, शहीद का दर्जा जो देश हित में
अपनी प्राणों की आहुति दे दे, उसे शहीद का दर्जा देने में कोई एतराज नहीं है और देना चाहिए। पुलवामा में जो हुआ उससे पूरे देश में आक्रोश है, आप क्या देख रहे हैं, क्या कहना है आपका? पुलवामा ही नहीं हुआ बल्कि भारत देश में हमला हुआ। पुलवामा हमारे देश का एक शहर है। विदेशी ताकतों ने जिस तरीके से भारत में हमला किया उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। देश में जो भी हमला हुआ ये गंभीर सवाल था, इसको बड़ी गंभीरता से केंद्र की सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। आज पूरा देश सरकार के साथ है, पूरा देश एक है। क्या है, क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार की जो इच्छा शक्ति है वो बहुत ही कमज़ोर है। अभी तक एक पीठाधीश ने घोषणा किया था कि मुझे मंदिर बनवाना है वहाँ पर, 21 तारीख को शिलालेख करना है, और उसका ध्यान बटाने के लिए यहाँ पर वो सुनियोजित तरीके से आतंकी हमला हुआ और पूरे देश का ध्यान एकाग्र किया गया देश की राष्ट्रीयता के लिए। जो भी हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, देश का अन्य मुद्दों की तरफ से ध्यान हटाने की तरफ ये कार्रवाई की गई, लेकिन जो भी हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। सईद भाई क्या कहेंगे आप? हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, और उन जो जवान हमारे जिस गृह ग्राम के हैं वहाँ एक स्मारक उनकी बननी चाहिए। स्मारक बनना चाहिए, जवानों को किस तरीके से सहूलियत, क्या क्या देखते हैं आप? जवानों को पुलवामा गांव में जो एक घटना घटी है ये बहुत ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो हमारे पूरे भारत देश के नगरवासियों का दिल दहल चुका है। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी या सभी दल के लोग एक साथ एकत्रित हैं, और इसको सब लोगों को मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, पूरा देश इकट्ठा है। मेरा ये कहना, कार्य के दौरान हुई मौतें, ये चूंकि हमारे फौजी साथी हमारे देश की रक्षा के लिए लगे हैं, तो जिस तरह से अन्य कानूनों में कार्य के दौरान हुई मौतों को मौत कहा जाता है कि ये कार्य के दौरान हुई मौत है, उसको उनको क्षतिपूर्ति देते हैं, इसी तरह से इनको एक तरह नई परिभाषा परिभाषित करनी चाहिए कानून में कि फौजी साथी हमारे जो हमारी देश की रक्षा के लिए हैं, घर से निकल चुके हैं, ऐसी स्थिति में उनको एक और परिभाषा गठित करनी चाहिए कि कार्य के दौरान हुई मौत को हम शहीद मानेंगे। कार्य के दौरान हुई मौत को शहीद मानेंगे। पुलवामा में जो भी हुआ वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण था, काफ़ी कष्टदायक था, पूरा देश उससे पीड़ित है। क्या आपको ये लग रहा है कि राजू जी जो कह रहे हैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाहिए, या आपको कुछ और भी कहना है? मेरा तो ये कहना है कि सबसे पहले आज हमें ज़रूरत है मुंहतोड़ जवाब देने की, और जो ये हमेशा सैनिकों के साथ हो रहा है और जो सरकार का उनके लिए कम बजट आता है, तो मेरी ये भी मांग है कि सरकार एक खाता जो है सार्वजनिक करे पूरे देश के अंदर, और जो भी लोग हैं देश के जो भी मदद करना चाहें उस खाते में वो राशि सेना के सहयोग के लिए हमेशा देते रहे, कोई एक बार की बात नहीं है। ऐसा एक जो है सरकार को एक कोष बनना चाहिए जिसमें लगातार देश के लोग उस कोष में पैसे जमा करें जो आड़े वक्त पर ऐसे ही शहीदों के काम आए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, कोष अलग से बनना चाहिए, उसमें निरंतर लगातार उसमें जो है दान होना चाहिए, दान देना चाहिए। सरकार तो अपने से करेगी नहीं, लेकिन नागरिक यहाँ के देश के जो प्रजातंत्र के लोग हैं वो चाहते हैं कि इस देश की रक्षा करने वाले लोग, इस देश में सुरक्षा करने वाले लोगों की जो जोखिम है, जान जोखिम पड़ी उसकी हिफाजत के लिए उसकी सुरक्षा के अनिवार्य है। लेकिन आखिर ये केंद्र सरकार क्या करना चाहती है ये हमारे समझ में नहीं। अभी हफ्ता हो रहे हैं, गुजर रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन उनका दिखा नहीं कि उन्होंने कोई दबाव बनाया हो, कहीं कोई ऐसा विशेष ड्यूटी लगा करके या विशेष कार्य योजना बनाकर उन्होंने कार्य करने का सोचा हो, ये बिल्कुल नहीं। क्योंकि मोदी सरकार जो है, मोदी सर आज राजनीति का वक्त नहीं, आज एक गंभीर सवाल है। क्या कहेंगे आप? अभी तो हम सवाल बताइए हमको। देश में जो भी हुआ पिछले दिनों, देश में जो भी हुआ किस दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं? देश में जो हुआ है बड़ा दुखद हुआ है। मैं तो ये कहूँगा जो हमारे सैनिक वहाँ पर रहते हैं उनके हमेशा दिल में रहता है,
हो लाख जो मगर बद्दुआ नहीं देंगे, जमी माह है जमी को दगा नहीं देंगे। ये विचार उन लोगों में रहता है और ये विचार एक भारतीयों को भी रहता है, मगर किंतु बड़े दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि स्ट्राइक होती रहती हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान से क्यों कहते हैं, आतंकवादियों से मैं कहता हूँ, जो आतंकवादियों का न कोई जात है न प्रजात है न कोई है। आतंकवादियों की कोई जात है न कोई ईमान है न कोई धर्म है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है, आतंकवादी तो सिर्फ आतंकवादी है। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, घर में घुस के मारना चाहिए। भारत की बढ़ती हुई शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत सी ताकतें बर्दाश्त नहीं कर रही। वो अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत भारत पर ये हमले हो रहे हैं। कोई छोटा सा आतंकियों का समूह नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर इसकी जाँच हो, इसमें कई देश मिलकर भारत को कमजोर, कई देश मिलकर ये काम कर रहे हैं। अभी कुछ लोगों ने कहा है सैनिकों का जज्बा है, माँ को दगा नहीं देंगे, क्या कहेंगे? सैनिकों का जज्बा सही है, मगर सरकार की भी, भारत सरकार को भी सोचना चाहिए कि हमारे सैनिक इतना मर रहे हैं। आप लोग खुद ही समझदार हैं कि इससे पहले संसद भवन में हमला हुआ तो सरकार बीजेपी के ही थी, और आज जो हमारे 40 कई बार हमला हुआ तो वो अभी तरह तरह की सरकार थी। आज राजनीति की बात नहीं है, आज नहीं जो हो रहा उस पर आपका कहना सही कह रहे हैं। नहीं होना तो चाहिए, चूंकि हमारे 40 जवान मारे गए और कल फिर भी 4 जवान मारे गए, 4 जवान मार के हम 3 आतंकवादियों को आज मारे हैं, ये कोई बहुत बड़ा फतवा नहीं है। हमें तो ये चाहिए घर में घुस के जहाँ जो जैसा मिले हमें मारना है, आतंकवादी को मारना है। घर में घुस के जहाँ जो जैसा मिले उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप एक अच्छे कवि भी हैं, आप क्या किस नज़र से इन सारे घटनाक्रमों को देखते हैं? आतंकवाद मानवता का तो दुश्मन है ही, ऐसे अवसर पर जब आतंक इस तरह से व्याप्त है, और हमारे देश में ही नहीं पूरे संसार में करीब सब जगह आतंक ने अपना अपना जिस तरह से फैला सका उसने फैला हुआ है, तो हम ऐसे अवसर पर देश के साथ हैं, केंद्र सरकार के साथ हैं, और सभी के एकजुट होकर इसमें सहयोग करना चाहिए कि आतंक के खिलाफ किस तरह से मोर्चा करें, आप लड़े। अपने ही अंदाज में कह के बताएं तो अच्छा लगेगा। नहीं, मेरा बस इतना ही कह, पूरे देश में इस तरीके की घटनाएं आए दिन हो रही हैं, एक घटना के बाद भी लगातार एक दिन बाद उस तरीके की फिर से घटना घटी, क्या लगता है कि सरकार की इच्छा शक्ति के बारे में क्या लगता है आप? देखिए, सरकार पूरी तरह अक्षम दिख रही है, क्योंकि जो बयान आ रहा है प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का, वो बयान सिर्फ अखबारों में है, धमकी भरा है, मीडिया चैनल में है, वो कारगर नहीं दिख रहा है। और इनको समझना चाहिए कि जो विदेश जो बड़े बड़े देश हैं वो देश हिंदुस्तान को मजबूत नहीं होना होने देना चाहते, इसलिए कहीं ना कहीं बड़ी साजिश है कि ये आतंकवाद के घेरे में हिंदुस्तान लड़ता रहे और कमज़ोर रहे, हमारी बराबरी पर ना आए, ये बहुत बड़ा कारण है इसका। ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी कुछ लोग को दिख रही है, लोगों का कहना है कि इस तरीके से हिंदुस्तान आपस में लड़ता रहे वो तरक्की ना कर पाए। हम एक बात कहना चाहते हैं आपको, हमारे नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से मैं कहना चाहता हूं कि ये कानून जो है, कानून व्यवस्था, इसको चुस्त दुरुस्त किया जाए, और ये हमला हुआ है इसमें जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए दोषियों को। दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। मैं तो आदरणीय मंत्री मोदी जी को यही कहना चाहूँगा कि हमारे भारत देश के जो सैनिक वहाँ सरहद पर अपनी जान दे रहे हैं और हम यहाँ चैन से सो रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर वो ये कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम लोगों को वहाँ सरहद पर जाने का अगर मौका मिले तो हम भी अपनी जान देकर इस देश की रक्षा करना चाहेंगे। युवा कहते हैं उनको सरहद में जाने का मौका मिलना चाहिए। ये जो घटना घटी है, उग्रवाद जो है, ये एक पुलवामा नहीं पूरे भारत में एक जटिल समस्या है। इसके लिए कड़े कानून बनाकर इसको जड़ से ख़त्म करना चाहिए। अगर सरकार करने में सक्षम नहीं है तो हम लोग भी मरने के लिए, देश में जाने के लिए तैयार हैं। सरकार सक्षम होनी चाहिए, सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ा से कड़ा कानून बनाना चाहिए। सरकार कानून तो बनाती है, मैं तो ये कहूँगा जितने आतंकवादी हैं या जो भी है,
ऐसा क्या कारण है कि रोज़ गोली बंदूक चलती है? इनके लिए हमको प्यार से मारना चाहिए और प्यार का माहौल बनाकर पूरे दुनिया में इसको ख़त्म कर देना चाहिए, ये मेरा कहना। लगातार तरह तरह की बातचीत हो रही है, देश में लगातार आतंकवादी घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं 72 साल आज़ादी के हो गए और ये सुनते आ रहा हूँ बचपन से कि पाकिस्तान एक मध्य प्रदेश से छोटा देश है, चाहे जो भी सरकारें रही हों वो यही कहेंगे कि मध्य प्रदेश से छोटा सा शहर है पाकिस्तान, और उस पाकिस्तान से बार बार ये झगड़े हो रहे हैं। हम हमारे देश के नौजवान मारे जा रहे हैं, अनेक माताएं बेटे खो रहे हैं, पत्नी अपने पति को खो रहे हैं, बच्चे अपने बाप को खो रहे हैं, तो एक बार जंग भारत सरकार क्यों नहीं कर ले रही है? 72 साल से हम यही सुनते चले आ रहे हैं, आखिर कब तक? कब तक? देखिए, ये 72 साल से जो आप कह रहे हैं, मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, और जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। जो हमारी माताएं बहनें विधवा हो रही हैं, जो छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो रहे हैं, जो हमारे नौनिहाल आज बलिवेदी पर चढ़ रहे हैं, इसका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कड़ी कार्यवाही करनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं करेंगे तो ये इन लोगों का आतंक सिर चढ़कर बोलेगा, और आतंक सिर चढ़कर बोलेगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। महिलाओं लड़कियों के लिए खुशखबरी है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कौशल्या योजना के अंतर्गत मुफ्त में शहर के सबसे बड़े ब्यूटी पार्लर से पार्लर का कोर्स करके अपने घर पर स्वयं का व्यापार संचालित करने का सुनहरा मौका, स्वावलंबी बनने का सुनहरा अवसर। आज ही संपर्क करें फ्रेश लुक ब्यूटी एकेडमी, पता याद रखें, गुलफाम कॉम्प्लेक्स, यूनियन बैंक, सिंडिकेट बैंक के सामने, आकरी टाकीज मोड़ के पास, रीवा। हमारा फोन नंबर 9993471930 एवं दूसरा नंबर 9685301655। पुलवामा में जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, इस बात से पूरा देश एकमत है। जो भी सेना के जवान, पैरामेडिकल फोर्स के लोग जो भी सरहद पर या किसी भी तरीके से अपनी जान गंवाते हैं, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। अभी तक हिंदुस्तान के इतिहास में शहीद शब्द का कहीं उल्लेख ही नहीं है। इन तमाम मुद्दों पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम उनसे लगातार इस बारे में बातचीत करेंगे, कुछ पत्रकार भी हैं। हम सबसे पहले कुछ अपने पत्रकार साथियों से बात करते हैं, फिर हम चलेंगे नेताओं के पास। क्या कहेंगे आप संदीप जी? इसकी अब उचित्री जांच तो नहीं होना चाहिए, अब सीधे कार्रवाई होनी चाहिए, और जितना उचित हो सके कार्रवाई करना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। पैरामिलिट्री मेट्रिक फोर्स में पेंशन और शहीद का दर्जा तो नहीं मिला है, लेकिन इसके लिए उच्च स्तरीय जाँच होना चाहिए। 12 जून को अगर शरणार्थी जो भारत मुर्दाबाद कर रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे थे, उन्हें एयर सुविधा उपलब्ध कराई गई, उन्हें घाटी पहुंचाया गया, जवानों को भी भेजा जा सकता था, इस पर भी विचार करना चाहिए, इस पर भी विचार करना चाहिए। आर पार की लड़ाई होना चाहिए, आर पार की लड़ाई होना चाहिए। राष्ट्र एक है, हम सबको राष्ट्र के साथ हैं, और इसमें निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और इसमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इस घटना में माना गया है कि जैसे मोहम्मद जो है संगठन, वो पाकिस्तान का पोषक है, कई गतिविधियां हुई है, सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर प्रतिबंधित करने का काम किया है। पाकिस्तान को प्रतिबंध तो लगे, लेकिन हमारे देश के भीतर भी जो उसके पोषक हैं उन पर भी कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए, ताकि घटना की पुनरावृत्ति न हो, घटना की पुनरावृत्ति न हो, देश के अंदर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि जब नेताओं का काफिला जब चलता है तो उसमें एक कुत्ता तक नहीं घुस पाता है, और यहाँ पे 2500 हमारे जब सैनिक जाते हैं और उसमें 200 किलो RDX लेकर कार बीच में आ जाती है और विस्फोट करती है, सोचने वाली बात है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी आतंकी लोग घुसे हुए हैं। युवाओं का कहना है कि गाड़ी आई कैसे, एक गंभीर सवाल आपने उठाया है। देश में जो पुलवामा में
घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है। आज भारत के प्रधानमंत्री जी को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, भाषण की ज़रूरत नहीं है, इंदिरा जी जैसा निर्णय लेकर पाकिस्तान और आतंकवादियों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। इंदिरा जी जैसा निर्णय लेना चाहिए, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उनको इसी बात पर कहा था, दुर्गा शब्द का इस्तेमाल अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इंदिरा गांधी के लिए किया था, आज मोदी जी को भी उसी तरीके के कड़े कदम उठाने चाहिए। देखिए, हम तो ये कहेंगे जो भी आतंकवादी हैं और जहां भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिस तरह से ओबामा को उन्होंने पाकिस्तान से अमेरिका ने उठा के ले गया था और ख़त्म कर दिया था, उसी तरह से जहां ये ट्रेनिंग पा रहे हैं वहां पर ला के ध्वस्त कर देना चाहिए और ख़त्म कर देना चाहिए जहां ये लोग ट्रेनिंग पाते हैं। उसामा बिन लादेन को जिस तरीके से अमेरिका ने मारा था, आज वक्त है उसी तरीके की कड़ी कार्रवाई करने का। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मेरा तो ये कहना है, बाहर का दुश्मन तो दिखता है और जो अपने देश के अंदर घुस के दुश्मनी अपने साथ धोखेबाजी कश्मीर में या कहीं भी हो, उनके लिए मैं कहता हूँ, आतंकवाद का जो यार है वो गद्दार है, गद्दार है, वो गद्दार है, गद्दार है। निश्चित तौर पे इतने साल गुजर गए, अब तो बात करने की वही नहीं रह गई। पाकिस्तान के वहाँ के आपके गृह मंत्री कहते हैं कि ये भारत के ही लोगों ने करवाया है, तो मतलब ये लोग करवाते भी हैं और हमारे भारत के ऊपर ही ऐसे शब्द करते हैं, तो हमारे भारत की सरकार को ऐसा जवाब देना चाहिए कि इनके जवाब अब दोबारा आने ना चाहिए। वक्त हो गया है एक कड़े जवाब का, कड़ा जवाब ऐसा जिसमें पड़ोसी मुल्क को भी समझ में आ जाए कि कोई कार्रवाई हुई है। अब जो है, अब तो बयानबाजी और बात करने की ज़रूरत नहीं है, उग्रवाद को जड़ से जड़ खत्म करना चाहिए, इसके लिए कड़ा कानून बनाने की ज़रूरत है। बयानबाजी का वक्त अब हो गया है खत्म। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अब आतंकवादियों को नहीं, आतंकवाद के नाम को ही जड़ से मिटा देना चाहिए। आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए, शब्दकोश में इस शब्द को ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसा भी कुछ युवाओं का कहना है। सरहद में कानून व्यवस्था जो है बहुत कमज़ोर है, इतनी सारी गाड़ियां जो है निकली और उसमें एक गाड़ी जो है आके सीधे ब्लास्ट कर दी, इसकी मैं बहुत निंदा करता हूं। ये कानून व्यवस्था, मोदी जी से मैं चाहूंगा कि ये कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त बनाए सरहद, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाए। बताइए क्या होना चाहिए आपको, क्या लगता है आज देश को किस चीज़ की ज़रूरत है? देश को तो इसकी ज़रूरत है कि आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने के लिए पहले जो मेरे घर के अंदर आतंकवादी पैदा हुए हैं, जिसका एक गैर संवैधानिक संगठन चल रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त होना चाहिए और तब हम आतंकवादियों से सही लड़ाई लड़ सकते हैं। देश में जो भी गड़बड़ियाँ हो रही हैं देश के अंदर, पहले उसको चुस्त दुरुस्त किया जाए, निश्चित रूप से सरहद को तो हम संभाल ही लेंगे। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हम कुलभूषण जाधव के लिए गए थे, ये कोई भारत देश की समस्या नहीं है, हमें अपने भारत के सैनिकों के साथ साथ विश्व के सैनिकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी जाके इसकी पहल करनी चाहिए, जिस तरह से हमारे भारत के अधिवक्ता गए थे, तो कि उनको शहीद का दर्जा मिले और उनको सुरक्षा मिले, उनके परिवार को सुरक्षा मिले, शहीद का दर्जा मिले, उनको सुरक्षा मिले, देश की सीमा चाक चौबंद रहे। मैं सबसे बड़ी बात बोलूँगा कि जब देश का प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति कहीं दौरे में जाता है तो चिड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, चिड़िया भी नहीं उड़ पाती बिना परमिशन के, तो वो ट्रक कैसे घुसा, उसकी जाँच क्यों नहीं हुई, उसकी जाँच होना चाहिए और जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ जगह पे तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, फिर इतनी बड़ी गाड़ी आखिर मिलिट्री के बीच में आ कैसे गई, जबकि 2500 से ज़्यादा का काफिला वहाँ पर चल रहा था। इसमें सबसे बड़ी जो कमजोरी है केंद्र सरकार की, उसमें खुफिया तंत्र की है। इतने बड़े देश में केंद्र में खुफिया तंत्र पूरी तरह से, जब प्रधानमंत्री का दौरा होता है या राष्ट्रपति महोदय का दौरा होता है तो एक एक चीज़ पर निगाह रखते हैं, और वो जब बॉर्डर है, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर है, तो उसकी क्या इनको सूचना नहीं मिल पाई, जो खुफिया तंत्र के लोग बैठे हैं
ये सबसे बड़ी कमजोरी हमारे तंत्र में है, ये इनको सुधार करना पड़ेगा। इसमें जो इनकी जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, हो सकता है उनके पास ना हो, इसलिए सरकार को खुफिया तंत्र को मजबूत करने का जैसा कि आप लोगों का ये भी कहना है। आतंकवाद के प्राथमिक पाठशाला है पत्थरबाज, एक मुट्ठी भर पत्थरबाज हमारे सैनिकों को, हमारे पुलिसकर्मियों को धमकी देते रहते हैं और मारते रहते हैं, और हमारे पुलिस वाले हाथ बांधने से खड़े रहते हैं, उनको परमिशन की ज़रूरत होती है। ऐसा कुछ किया जाए कि इनको ही मतलब 124 धारा के अंतर्गत कोई धारा है। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी आया है, आतंकवादियों की प्राथमिक पाठशाला पत्थरबाज, पत्थरबाजों को ख़त्म करने से भी काफ़ी हद तक इस पर काबू पाया जा सकता है। आपने कहा, आपका सवाल है कि इस देश में पुलवामा में जो लोग शहीद हुए उनको शहादत का दर्जा मिलना चाहिए, और मैं इसका उत्तर ये देता हूँ कि जो इस देश के पहले शहीद थे, शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, आज तक भारत की सरकार ने उनको शहीदी का दर्जा नहीं दिया। देखिए हमारे साथ एक सज्जन थे जिन्होंने कितना गंभीर सवाल उठाया है, भगत सिंह जैसे लोगों को भी इस देश में शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, क्या यह सवाल अपने आप में कई सवाल नहीं खड़े करता? हम इस पर निश्चित रूप से फिर किसी दिन बहस करेंगे। देखिए ये पुरानी बातें हैं, आज जो बात हो रही है पुलवामा अटैक पर बात हो रही है, और हमारे कई साथियों ने बहुत सही कहा है कि जो ये पत्थरबाज हैं जिनकी आड़ में आतंकवादी हमला करके भाग जाते हैं, पहले तो उन पर कड़ी रोक लगाई जानी चाहिए, और कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट के बिना इतना बड़ा हमला अंजाम नहीं दिया जा सकता। तो इनको खुफिया कहां से मिला, उनको खोज खोज के देशद्रोह में पकड़ के और उनको कड़ी से कड़ी उनको सजा मिलनी चाहिए, और अब ये प्रेम और इससे काम नहीं, इन्होंने तो हद कर दिया, अब प्रेम का वक्त हो गया ख़त्म, अब इसमें सीधे कार्रवाई होना चाहिए। सैनिकों के हाथ हमेशा खोल के रखने चाहिए, जब पत्थरबाजी होती है तो सैनिकों के हाथ बंधे रहते हैं, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि सैनिकों के हाथ हमेशा खोल के रखना चाहिए। सेना के लोगों को पूरी छूट मिलनी चाहिए। देखिए अब पूरा देश इस मत पे सब इकट्ठा हो गया है कि हमको कुछ एक्शन लेना चाहिए, सभी राजनीतिक जितनी पार्टियां थी सब एक मुट्ठ में हो गई हैं, और हमें अब देर नहीं करना चाहिए, तुरंत जो भी हो एक्शन लेना ही चाहिए। आज जितनी धीमी गति हमारी विरोध हम विरोध कर रहे हैं वो बहुत धीमी है। अब तेज़ी से जैसे सेना में हमारे हम इंतजार करते हैं भारत के सैनिक, भारत के प्रधानी कि सामने वाला आक्रमण करेगा तब हम जवाब देंगे। हमें मालूम है कि हमारा पाकिस्तान बॉर्डर ये है, यहीं से लोग आते हैं, तो हमें निरंतर उसके ऊपर वार करते रहना चाहिए। अब तो रुकने का सवाल है नहीं कि वो मारें तब हम मारेंगे, अब वो मारें तब मारें, हमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई भी ऐसा जिसको सामने वाले को समझ में आए कि हाँ इस देश में भी कुछ लोग रहते हैं, उन्होंने कार्रवाई की। आपने देर से हमारे साथ ज्वाइन किया है, हम लगातार इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो भी अभी कश्मीर में हुआ, क्या किस नज़र से आप देख रही हैं पूरे मसले को? मेरा ये मानना है, मैं केंद्र सरकार से और अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये निवेदन करूं या आग्रह करूं कि अब इंदिरा गांधी बनने की ज़रूरत है। जिस तरह से इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के टुकड़े किए थे, मोदी जी से मैं ये चाहती हूँ, सारा देश का युवा चाहता है, सारी आम जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसी नीति चलाएं और पाकिस्तानी सैनिकों के दो टुकड़े करें, और पुलवामा हमले में जो हमारे वीर जवान शहीद हुए उन्हें शहीद का दर्जा दें और उन्हें हर जगह पर उनके नाम से स्मारक बनवाएं, हर जगह उनके नाम से स्मारक बने, उनको शहीद का दर्जा दिया। आज इस देश को इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री की जरूरत है। वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। महिलाओं लड़कियों के लिए खुशखबरी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कौशल्या योजना के अंतर्गत मुफ्त में शहर के सबसे बड़े ब्यूटी पार्लर से पार्लर का कोर्स करके अपने घर पर स्वयं का व्यापार संचालित करने का सुनहरा मौका, स्वावलंबी बनने का सुनहरा अवसर। आज ही संपर्क करें फ्रेश लुक ब्यूटी एकेडमी, पता याद रखें, गुलफाम कॉम्प्लेक्स, यूनियन बैंक, सिंडिकेट बैंक के सामने, आकृत टाकीज मोड़ के पास, रीवा। हमारा फोन नंबर
9999347190 एवं दूसरा नंबर 9685301655। नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं रीवा के वेंकट भवन के पास। यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जो लगातार कश्मीर मसले पर, कश्मीर में जो भी हुआ उसको लेकर लगातार हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे नए लोग भी जुड़े हैं, हम उनसे लगातार बातचीत करेंगे, जानेंगे कश्मीर मसले पर उनका क्या कहना है, क्या सोचना है। क्या सोचते हैं आप कश्मीर विषय में? कश्मीर तो आप भारत की राजधानी, ये इंदिरा गांधी जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत है, ये पीएम मोदी के बस में नहीं है। देखिए ऐसा है कि हमारा एक गांव कंदैला है रीवा से लगा, हमारे यहाँ 450 से ऊपर लोग मिलिट्री में नौकरी करते हैं। हमारे खुद के भाई 3-4 लोग हैं वो भी मिलिट्री में हैं। हम लोगों से खास तौर से जम्मू कश्मीर से जो भी बातें वारदात की होती है। देखिए हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जिनके 3 लोग, जिनके गाँव के लगभग 400 लोग मिलिट्री में है। हम उनसे खास बातचीत करेंगे और निश्चित रूप से जानेंगे, उनके जज्बे को भी हम सलाम करते हैं। जी बताएं कि पूरा मामला क्या है, विस्तार से अब अपनी बात रखें। जी जी देखिए ऐसा है कि वहाँ जम्मू कश्मीर में हमारे से छोटा भाई है, वो कैप्टन से अभी रिटायरमेंट हुआ है, वो भी है, उससे और कई भाई हैं। और जम्मू कश्मीर से लगी जो भी बातें हैं, जो भी वारदातें होती हैं, बीच बीच जब वो छुट्टी आते हैं तो वो बताते रहते हैं। वहाँ बार बार पाकिस्तान सीज़फ़ायर का उल्लंघन करते हैं, इधर फायरिंग करते हैं, उधर करते हैं। ऐसी स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री महोदय से हम यही निवेदन करते हैं कि वो देश के हित में ऐसा निर्णय लें जैसा कि पूर्व में 1971 की लड़ाई में हमारे गांव के ही श्री रामचरित तिवारी जी शहीद हुए थे, वो हमारे ही कनैला गाँव के हैं। तो ऐसे वीर हमारे यहाँ दर्शकों, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है रामजी पटेल। राम जी, जी निश्चित रूप से आपके परिवार के और आपके गांव के लोगों को पूरा रीवा, पूरा देश निश्चित रूप से सलाम करेगा। जी एक जी बताएं वर्तमान स्थितियां जो हैं उसके लिए तो मैं केवल 2 लाइन में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया के ठेकेदार हमारे सिरमौर नहीं लगते, इजराइल से जीना सीखो अपने भुजदंडों पर। देखिए कितनी गंभीर बात आप कह रहे हैं। आज स्थिति जो है किस ऐसा ठोस निर्णय लेने की है कि आतंकवाद करने वाले देश भारत के लिए एक बार सर उठाने के लिए जरूरत न करें। आज मोदी जी को भाषण की ज़रूरत नहीं है, उन्हें त्वरित निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि एक के बदले हम 10 सर लाएंगे। आज 42 लोग यदि हमारे देश के सैनिक शहीद हुए हैं तो हमें 420 सर लाने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे आप? निसंदेह हमारे भारतीय अस्मिता पर हमला है, भारतीय अस्मिता पर हमला है और यह काफ़ी समय से चल रहा है। मीडिया रिपोर्टों में भी आया है कि अब तक पैरामिलिट्री के 3,000 से 4,000 सैनिक शहीद हो चुके हैं। कब तक हम बल देते रहेंगे, कब तक हम ये अपना इस तरीके से? बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि ये भारतीय सरकार की कमी है, नाकामयाबी है कि जिसमें CRPF की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने ये कहा था कि हमारी सेना को हवाई जहाज मुहैया कराया जाए, इसके बाद भी भारतीय मोदी सरकार जो है तो उसने उस पर गंभीरता नहीं दिखाई, जिसका आज ये परिणाम है। सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई, हम रात दिन महफूज है जिन सेना के जवानों के कारण। उनके लिए पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी को एक बात कहना चाहूँगा कि सैनिक वो होता है जो हिम पिघलाकर पीता है। अरे हम बिस्लरी पीते हैं, वो हिम पिघलाकर पीता है। सैनिक वो होता है जो हम सबकी खातिर जीता है। आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई थी जब हमारे देश के 2 जवान हेमराज और सुधाकर के सर काट के ले गए, 56 इंच का सीना, और कहा गया मनमोहन सिंह की सरकार से अगर हम होते तो हम 420 सर काट के ला के देते। हम होते तो 420 सर लाते। निश्चित रूप से हम अभी आपके पास आएंगे और आपसे हम आज वो सत्ता में है, आज वो सत्ता में उनके पास पावर है। आज वो क्या कर रहे हैं विपक्ष के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ पावर है, वो क्या कर रहे हैं, एक गंभीर सवाल। आज युवा का जो जोश है वो वास्तव में ये सोचनी है। आज हर युवा, हर देश का सिपाही ये प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता है कि आप, ऐसा हो नहीं सकता है कि उन्हें खुफिया जानकारी ना मिली हो। ये सब वोट बैंक की राजनीति के कारण प्रधानमंत्री जी ने छिपाया सभी आम जनता से। और मैं इसके लिए चाहती हूँ कि इसमें तत्काल रक्षा मंत्री जी को, विदेश मंत्री जी को तत्काल इसमें इस्तीफा देना चाहिए।
सरकार के जो नुमाइंदे हैं उच्च पदों पर बैठे हैं, निश्चित रूप से उनकी पहल पर उनको इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं। इस घटना के कारण पूरा देश के युवा आक्रोशित हैं और ये आक्रोशित ऐसा फूटेगा कि आंतरिक कोई घटना न हो जाए, इसलिए सरकार को तुरंत एक्शन इसमें लेना चाहिए। सरकार इतने अभी इतने दिन गुजर गए, इसके बाद भी आपस में चर्चा कर रहे हैं, एक्शन जब तक नहीं लेंगे तो जनता इस राजगी को सत्ता में परिवर्तन करने की जरूरत देगी। वक्त काफ़ी हो गया है, अब बात की जरूरत हो गई ख़त्म, वक्त हो गया है एक्शन का। बिल्कुल सही बात है, चाहे वो युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे जो हों, समाज का हर वर्ग आंदोलित है, आक्रोशित है, पीड़ित है, दुखी है, परेशान है। अपने बच्चों के खून से लथपथ सड़क चौराहे देखकर वो भावीवल है कि कैसे इन नरपिशाचों से बदला लिया जाए। बदला तो बदला का जवाब तो ये है कि अभी तक देश में अघोषित आपातकाल लागू है, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा था। अब घोषित रूप से ईमानदारी से मोदी जी आपातकाल लागू करें और उस देश को नष्ट नाबूद कर दें जिस देश से भारत पर आतंकी हमले होते हैं। जिस देश से भारत पर आतंकी हमले होते हैं उस देश को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। मेरा मानना है कि ये हमला केवल सैनिकों के ऊपर हमला नहीं है, बल्कि ये पूरे मुल्क भारतवर्ष के अस्मिता और अस्तित्व पर ये चोट है और इस चोट का बदला हमें तत्काल लेना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि सत्ता के शिखर में जो लोग बैठे हैं उनकी इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति में कमजोरी है, वरना अभी भी ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए भारत सक्षम है, तैयार है। इच्छा शक्ति की कमी, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है वो कमजोर दिख रही है। आज 7 दिन होने जा रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, न कोई उठा पटक हुई। अगर इस तरह की चलती रहेगी तो देश में इस तरह के और आने वाले दिन में कुछ हो सकता है, इसके लिए फिर तैयार होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो चूक हुई है इस पे उच्च स्तरीय जो लोग काम कर रहे हैं, निर्मला सीतारमण जो दिन भर TV पे बन के और पक 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 करती हैं, उनको कुछ ना कुछ उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और इस पर तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि देश का माहौल इस समय बहुत गर्म है। क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा अंतिम बार कि देश के तीनों सेना को खुली छूट होनी चाहिए, देश की रक्षा के लिए बिल्कुल स्वतंत्र कर देना चाहिए, सरकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। एक बार पुनः शहीद के दर्जे के अतिरिक्त भारत रत्न इन वीर सपूतों को देना चाहिए। इन वीर सपूतों को भारत रत्न। हम तो ये कहना चाहेंगे, ये मेरा आखिरी सवाल है जी, कि ये नपुंसक सरकार, केंद्र की सरकार जो है, इसको तुरंत देश में इस्तीफा दे देना चाहिए और पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, तब ये आतंकवाद खत्म होगा। अब तो कुछ नहीं, बहुत हो गया है, अब सरकार को चाहिए इसमें जल्द से जल्द, हम तो चाहेंगे जल्द से जल्द एक्शन, इसी समय एक्शन लेना। मैं अपनी वर्तमान सरकार से ये आग्रह करना चाहूंगी कि बहुत हो गया, अब एक कड़ा कदम उठाना चाहिए और मजबूती के साथ, क्योंकि हम इतने कमजोर नहीं, पड़ोसी देश हमारे मुकाबले कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। मैं घोर निंदा करती हूँ, इस कार्रवाई होनी चाहिए और मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए और मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग भी हैं, क्या कहेंगे आप? ये है कि जो राजनीति इसके अंदर नहीं होना चाहिए। आप बताइए, आप करते क्या? मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। आज देखिए इस डिबेट में हमारे साथ एक भूतपूर्व सैनिक भी हैं, हम उनसे भी जरूर बात करेंगे। पहले तो अपना नाम बताइए, फिर बताइए आप। मेरा नाम वीर बहादुर सिंह बघेल है, मैं BSF से रिटायरमेंट हुआ हूं और श्रीनगर में मैं 6 साल रहा हूं। जो पहले था स्थित वो अब स्थित नहीं रह गए, इसके अंदर राजनीति काफ़ी द्वार घुस गई है। राजनीति नहीं होना चाहिए, सैनिक के प्रति तो राजनीति होने नहीं चाहिए, तभी सैनिक आगे बढ़ा सकते हैं काम। सैनिक के प्रति राजनीति नहीं होनी चाहिए, सैनिकों का उनको निश्चित रूप से उनको ईमानदारी से उनके लिए काम करना चाहिए। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से अगर राजनीति की बात हो तो सबसे बड़ी राजनीति तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि जिस समय हमारे देश के 40-40 अमर वीर नौजवानों की वहाँ पर लाश रखी हुई थी, उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी
हमारे देश की जनता को एक घंटे दो घंटे से बार बार टीवी में यही दिखाई दे रहा था कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि जैसे ध्वजारोहण करने आ रहे हैं। तरह तरह की तमाम बातें हुई, सबका ये कहना था कि निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई की पड़ोसी मुल्क को समझ में आ जाए। मैं चलते चलते आपको अभी अपने मेज़बान को जावेद अंसारी को इजाज़त दीजिए, चलते चलते मैं आपको, मेरे साथ एक युवा कभी भी मौजूद हैं, मैं उन्हीं की पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम को की विदाई लूँगा और निश्चित रूप से निकट भविष्य में हम आपके साथ एक बार फिर से मुलाकात करेंगे नए विषय के साथ। मैं एक आपको चार लाइनों के साथ छोड़ के जाता हूँ। लाइनों के पहले मैं सर्वत्ता कहूँगा, जैसा पूरे डिबेट में बात आई है कि सैनिक को सियासत से अलग रखना चाहिए। सैनिक वो होता है जो जात धर्म भाषा मजहब सबसे ऊपर होता है, वो ना हिंदू होता है वो ना मुसलमान होता है, वो सब सैनिक होता है। न समझो मुंबई और शहर कलकत्ता महकता है, चले जाओ जिधर उस गांव का रास्ता महकता है। शहीदों ने चमन अपने लहू से ऐसे सींचा है, हमारे मुल्क में कागज का गुलदस्ता महकता है, हमारे मुल्क में कागज का गुलदस्ता महकता है। हम सब नमन करते हैं उन सारे शहीदों को जिन्होंने हिंदुस्तान की अस्मिता और अखंडता के लिए, एकता को बनाए रखने के लिए, अपने हम सब महफूज रह सके, अपने घर में चैन की रात सो सके, इसलिए वो ठंड में भी कड़ाके की ठंड में भी शहीद होता है। आज हम सब सलाम करते हैं ऐसे जाबाजों को, ऐसे वीर सपूतों को। अभी तक आप देख रहे थे कश्मीर को लेकर हो रही एक ऐसी डिबेट जिसको कि हर आदमी, पूरा मुल्क ये चाह रहा था कि इस पर एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई जिसका एक ऐसा माकूल जवाब लोगों को मिले कि उसके खिलाफ कुछ ना हो। मैं अपने तमाम साथियों से, जितने लोग यहाँ पर डिबेट थे, जो भी अभी कश्मीर में हमारे जवान शहीद हुए, उनकी याद में मैं चाहूँगा दो मिनट का मौन रखकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए। मैं अपने तमाम साथियों से गुजारिश करूँगा वो यहाँ पर आ जाएँ, इकट्ठा हो जाएँ और दो मिनट का मौन रखें। हमें भी खड़ा कर लीजिए और घड़ी देख लीजिएगा, कोई घड़ी देख लीजिएगा बिट्टू। ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मनोरंजन के लिए आप बने रहिए रीवा दर्शन के साथ। नमस्कार।